ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਡਾਰੀ। आसमा, मैं अपने प्यार को कभी हारने नहीं दूंगा। आसमा इसी घर में रहेगी, मेरे साथ, मेरे कमरे में। आलिया को सिर्फ मेरा नाम मिलेगा, सिर्फ पहचान मिलेगी मेरी पत्नी होने की, बस। तो क्या बकवास कर रहा है तू? शादी में कौन ऐसी शर्त रखता है? पागल समझ के रखा है क्या? पागल तो मैं हूं ना, जो जिम्मेदारी के नाम पे किसी और का पति बनने को तैयार हूं। मैंने आप लोगों की बात मान ली है, बस अब मेरी बारी है। आसमा, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हूं, पर मुझे मेरा प्यार निभाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें तुम्हें मेरी यह शर्त माननी होगी। हमसे कहा गया था कि ये हमें यही मिलेगी। आप मिलना चाहती हैं इनसे? जरूर, हमारे बहुत एहसान हैं इस पर। हमारे मुल्क में आना, एक लंबे अरसे तक हमारी हवेली में रहना, ये सब यूं ही मुमकिन तो नहीं था इसके लिए। वैसे आप यहाँ पर आए कुछ खास काम? दोनों मुल्कों में बस मोहब्बत बनी रहे और क्या। रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं है, जो तुम चाहते हो वो पॉसिबल नहीं। आसमा, एक फैसला तुमने मेरे लिए लिया है ना, और एक फैसला मैंने हम दोनों के लिए लिया। जब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ तो तुम्हें भी मेरी बात से इनकार नहीं करना चाहिए। रुको। आलिया मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ रह सकती है, और मेरे साथ ही आसमा, मेरे साथ मेरे कमरे में सिर्फ तुम रहोगी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कर। इस समाज में, इस समाज के भाड़ में मुझे समाज की परवाह नहीं है। आसमा, मुझे तुम्हारी परवाह, हमारी परवाह है। पहले भी ना इस समाज के नाम में मेरी जिंदगी मेरे जज्बात के साथ खेला था। जब मेरी तुमसे शादी हुई थी ना, इस समाज ने मुझे आलिया को छोड़ने पे मजबूर किया था, और आज उस समाज के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं आसमा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा समाज जो दूसरों की खुशियों की कुर्बानी चाहता हो। घर वाले जो कह रहे हैं मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए होगा ना वो मैं लेकर ही रहूंगा। हो सकता है तुम्हें ये सब गलत लग रहा हो, लेकिन एक दूसरे से अलग होकर जीना इससे ज्यादा गलत और क्या हो सकता है। और तुम जानती हो ना, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, जिसके सहारे मैं कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी फर्ज निभा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे प्यार के बिना तो मैं खुद को नहीं संभाल सकता, किसी दूसरे को कैसे सहारा दूंगा। मेरा पति, मैं मेरा अरमान किसी के साथ नहीं बांट सकते, किसी के साथ भी नहीं, ये मुमकिन है? किसी के साथ तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र। सर, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तू भी समझने की कोशिश करना। तू राजा के बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसे में तुझे एक सहारे की जरूरत है जो उस बच्चे को प्यार दे सके, अपना नाम दे सके, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा सके। और अरमान को ये सब करने में कोई एतराज नहीं है पुत्र, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद तू उससे ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि उससे ज्यादा के लिए मैं भी उसे मजबूर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नैनी जी, आप भी बताइए, अरमान में ठंड रख, बैठ जा। दीदी समझा इसे कुछ। हाँ जी वीर जी, बैठ जा। मैं मेरा अरमान किसी को नहीं दूंगी। इसके लिए एक ग्लास पानी लेकर। हाँ जी। मैं मेरा अरमान नहीं दूंगी, मैं किसी को। इधर देख, समझदारी दी गल कर, बेवकूफी ना करी, ऐसा ना हो कि सब कुछ पाने के चक्कर में तेरे हाथ में कुछ भी ना बचे। पर अरमान, ये कैसे शर्त है उसकी? ये कैसे मुमकिन है? इश्क और जंग में सब कुछ मुमकिन है। तुझे क्या चाहिए?
अरमान ना मिल जाएगा। तू जाकर रस्म की तैयारी कर, बाकी मैं देख लूंगी। तुमने कहा ना कि अरमान वो सब करेगा जो उसे कहा जाएगा, तो ठीक है मैं करूंगा, लेकिन कल तुम्हें वहां मेरे साथ खड़े रहकर सब देखना होगा। नहीं अरमान, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। अरमान तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हो। नहीं समझना मुझे, कुछ नहीं समझना। तुम्हें कल मेरे साथ रहना होगा, बस यही तुम्हारी सजा है। मुझे किसी और को देने के बारे में सोचने की सजा। आसमा, कल तुम ही मुझे तैयार करोगी और गुरुद्वार साहब तक हर कदम तुम मेरे साथ चलोगी। प्यार किया तो मेरा दर्द भी तुम्हें मेरे साथ ही सहना होगा। मेरे राजा की आखिरी निशानी को बचा ले, तुम्हारे अपने परिवार के लिए ये अगली परीक्षा भी मंजूर है, तुम्हारे खाना सुन तुम्हारे साथ रहे। अरमान की रखेल बन के रहने के लिए भी तैयार हो? तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट हो क्या? हाँ वो मैं डेस्परेट, और इस डेस्परेशन को ना प्यार कहते हैं। और हाँ क्या कहा तुमने, रखेल कभी अरमान की आंखों में झांक कर देखना कि तुम कहां और मैं कहां। और एक बात याद रखना, जितनी जल्दी अपनी जगह समझ लोगे ना इस घर में उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं वो नाम हूं जो उसके दिल पे लिखा है, और तुम सिर्फ पेपर्स पे। मैं वो हूं जो उसकी बाहों में रहूंगी, उसके रूम में रहूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हें सिर्फ उसका नाम मिलेगा। और मेरा अरमान अपना पर्स और प्यार दोनों निभाएगा। रख पुत्र, सुन मेरी बात। मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि कल इसकी अकड़ भी टूट जानी और इसको अकल भी आ जानी। और जिस प्यार की तड़ी मार रही है ना, कुछ नहीं हासिल होना इसको। मैं तो कहती हूँ उल्टा अरमान ही इसे छोड़कर जाएगा। शांत हो जा पुत्र। जी सस्त्रकार, आपका फोन आया था, आपको हमारे साथ चलना है बॉर्डर पर। बॉर्डर पे क्यों? आपको पता नहीं है आप एक जानी मानी हस्ती बन चुकी हैं, लाइक ए सेलिब्रिटी, तो आपको कभी भी कहीं पे भी किसी जगह पे भी बुलाया जा सकता है। जी आज वो घर पे, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। चलिए आलिया पुत्र, क्यों होया तो अपनी हल्दी की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? सब इंतजार कर रहे हैं, चल छेती कर। बुआ जी। जी क्यों है? एक बात पूछूं आपसे? पूछ। आप मेरा इतना साथ क्यों दे रही है? पहले तो आपको मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं था। और जहाँ तक तेरी शक्ल का सवाल है, वो तो मुझे आज भी नहीं पसंद है। तो फिर मेरा साथ देने की वजह क्या है? तेरी कोख में पल रहा ये बच्चा जो मेरे राजा की आखिरी निशानी है।